घर की खिड़की में पकड़ रखे जुगनू को लेते समय 8 साला बच्चे को काटा सांप ने, बच्चे की दर्दनाक मौत। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहा मासूम 8 साला कार्तिक खोखले नामी लड़का अपने माँ बाप के साथ खेत आया हुआ था। जहाँ माँ बाप खेत के कामों में व्यस्त थे तो कार्तिक खेलते खेलते माचिस की डिब्बी में कई जुगनू पकड़ शाम के समय घर ले आया और घर की खिड़की में रखा हुआ था। दूसरे दिन वे अपने स्कूली दोस्तों से जुगनू के बारे में बातें कर घर आकर खिड़की में रखी माचिस ले रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। जहां उसके माँ बाप उसे फौरन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया तो दूसरे दिन इलाज के दौरान मासूम कार्तिक की मौत हो गई। अक्सर बरसात में सांप रिहायशी इलाकों में चले आते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वे सतर्कता बरतें। ये घटना महाराष्ट्र राज्य नांदेड़ जिले के मड़सूर जिला गाँव की बताई जा रही है।